नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। रिमझिम फुहारें आज भी रुक रुक कर आपको भिगो रही हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली का पारा आज सुबह 14 डिग्री रहा, यानी ठिठुरन भरी ठंड से राहत जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर्दी का सितम खत्म हो गया है, ना ही ठंड और कोहरे का टॉर्चर खत्म हो गया, क्योंकि दो दिन के बाद सर्दी फिर से सितम ढाने वाली है। इस बारिश के भुलावे में मत आना, ये ठंड भगाने वाली बारिश नहीं है, क्योंकि सर्दी का सितम अभी बाकी है। ठंड का टॉर्चर अभी फिर लौटेगा, कोहरा फिर कोहरा मचाएगा। मौसम विभाग और मौसम वैज्ञानिक कोहरे से क्यों डरा रहे हैं और क्यों एक बार फिर पारा गिरने की चेतावनी दे रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले मौसम के बदले मिजाज की नई सूरत देख लीजिए। साल शुरू होते ही ठिठुरन कम होने लगी तो लोगों को कुछ राहत का एहसास हुआ। गुरुवार रात से ही बादल उत्तर भारत को जमकर भिगो रहे हैं, सड़कें पानी पानी हैं, फर्राटा भरती गाड़ियों की रफ्तार को जैसे बादलों ने बांध कर रख दिया हो। मौसम के इस ऊट पटांग मिजाज की झलक दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और भोपाल से लेकर चंडीगढ़ तक नजर आई। कमोबेश बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड तक हालत यही है। दक्षिण की तरफ से आ रही हवाओं ने उत्तर से लेकर पूरब तक और मध्य से लेकर पश्चिम तक फिजाओं का रुख मोड़ कर रख दिया है। देश की राजधानी दिल्ली हो, हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो, बिहार की राजधानी पटना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल या झारखंड की राजधानी रांची, छह राजधानियों की तस्वीरें बादलों की बेवक्त बौछारों से बहक उठी फिजाओं की है। सड़कें भीग रही हैं और ठंड से राहत भी मिल रही है। शरीर जमा देने वाली ठंड के बाद दिल्ली एनसीआर में अचानक हुई बारिश के बाद मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली है। शुक्रवार तड़के से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का साफ तौर पे यही कहना है कि बारिश के बाद, जैसे ही बारिश रुकेगी उसके बाद दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। लेकिन बारिश की वजह से फिलहाल कोहरे से निजात मिला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी जो है वो कोहरा नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने यही चेताया है कि बारिश रुकने के बाद एक बार फिर ठंड के तेवर तेज हो सकते हैं। तभी तो मौसम विभाग की कंप्यूटर स्क्रीन पर उत्तर भारत के बड़े इलाके में बादल छाए दिखाई देते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से क्लाउड पैटर्न है और कहाँ से ये बादल आए हुए हैं। जैसा कि आप सैटेलाइट इमेजरी में देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा, जैसे मध्य भारत है, मध्य प्रदेश के तमाम इलाके हैं जहाँ पर बादल छाए हुए हैं, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश है जहाँ पर बादल छाए हुए हैं, और तमाम पहाड़ी इलाके हैं जिसमें नेपाल का एक बड़ा इलाका है जहाँ पर बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड के इलाकों में मौसम बदला हुआ है। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है दिल्ली के पास से होकर गुजर रहा है, लिहाजा दिल्ली में भी ये बारिश दे रहा है। और ये जो मॉइस्चर आई है, ये जो नमी आई है, इसमें कहा जा रहा है कि दो तरफ से आई है। एक तरफ से ये बंगाल की खाड़ी से नमी यहाँ पहुंची है और साथ ही साथ यहाँ अरब सागर से भी ये नमी पहुंची है। एक हफ्ते तक ठिठुरन भरी ठंड और कोहरे का कोहराम देखने के बाद उत्तर भारत के लोगों को भले ही इस मौसम में ठंड कम होने से राहत का एहसास हो रहा है, फिर हल्की फुहारे भी है और तापमान भी 10 के तो पार ही है। इसीलिए दिल्ली वाले इंडिया गेट पर सैर सपाटा भी कर सकते हैं और सड़कों पर निकलकर मौसम का मजा भी ले सकते हैं। अचानक ठंड का गुल होना तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे दिसंबर के बाद सीधा मार्च का महीना आ गया हो। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बीते हफ्ते में तो ठंड का केवल ट्रेलर भर ही दिखा है। मौसम तो आंख मिचौली खेल रहा है। अभी ठिठुरन भी और बढ़ेगी और धुंध की सफेद चादर परेशान भी करेगी, क्योंकि ठंड का टॉर्चर अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में बारिश आज शाम खत्म हो सकती है, लेकिन उसके बाद ठंड बढ़ने की आशंका है, और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन।
मौसम ने करवट ली तो दिल्ली वालों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई। इस वक्त हल्की बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं जिस तरह से काले बादल छाए हुए हैं, उसके बाद अंधेरा काफी हो गया और सड़कों पर जो लोग गुजर रहे हैं वो गाड़ी की लाइट चलाकर निकल रहे हैं क्योंकि अंधेरा है। और जहां बारिश रुकी हुई है वहां उन इलाकों में हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मौसम भवन के ठीक सामने और मौसम विभाग ने जो कुछ भी कहा है उसके हिसाब से आने वाले जो दिन रहेंगे दिल्ली वालों के लिए ठंड से भरे रह सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो उन्हें परेशान करेगा वो है कोहरा। आसमान की तरफ आप अगर देखें तो काले बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं। कल सुबह से ही ये हाल इसी तरह से लगातार बना हुआ और अभी भी रिमझिम बारिश दिल्ली NCR के तमाम इलाकों में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बातचीत की जाए इस बारिश की तो शाम तक इस बारिश की रुकने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने और आने वाले जो दिन रहेंगे उसमें तापमान में गिरावट देखी जाएगी। हालांकि जैसे ही काले बादल छटते हैं कोहरे का असर सबसे पहले देखने मिलेगा दिल्ली वालों को और उसके बाद आने वाले जो दिन रहेंगे सबसे ठंडे होंगे। और इसी के साथ जो परेशानी उठानी पड़ रही है लोगों को, जो मैदानी इलाके हैं वहां भी बारिश हो रही है, जो बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में उसकी वजह से तापमान में गिरावट आएगी और उसके बाद ठंड जो है वो अपना असर धीरे धीरे दिखाने लगी। हालांकि अगले जो एक हफ्ते रहेंगे उसमें तापमान जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा लेकिन उसके बाद थोड़ी राहत मिलने की आशंका है। तापमान समान हो सकता है, थोड़ी गर्मी भी आ सकती है तापमान में, लेकिन इस वक्त दिल्ली वालों को ठंड का टॉर्चर झेलने के लिए तैयार रहना होगा। आने वाले दिन ठंड से भरे रह सकते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। यानी कि पहले ठंड फिर कोहरा, इसका टॉर्चर झेलना पड़ेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमाचल के कुफरी में लगातार बर्फ गिर रही है जबकि उत्तराखंड में मौजूद देश के मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली भी सफेद बर्फ से भर गया है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद अब उसका असर मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा और मैदानों में सर्दी दो दिन के बाद और बढ़ेगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की कुफरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। शिमला के पास ये जगह है कुफरी, जहां पे लोग दूर दूर से जाते हैं खास करके स्पॉट को देखने के लिए। और उत्तराखंड के औली की तस्वीरें, यहां पर स्कीइंग के लिए खास करके लोग आते हैं। और स्नोफॉल कितना हो रहा है, बर्फबारी कितनी हो रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों से। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी ठंड बढ़ गई है। आसपास के इलाकों में शुरू हो चुकी बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ गई है। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे किस तरह से नए साल की शुरुआत मौसम के ऊट पटांगा मिजाज के साथ हुई है। जनवरी के मौसम में मार्च जैसा पारा और जुलाई जैसी बारिश, ये हाल केवल दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि बंगाल, तमाम राज्यों में बादल अटखेलियाँ खेल रहा है। नया साल शुरू होते ही मौसम ने भी करवट लेनी शुरू कर दी। 1 जनवरी की सुबह उत्तर भारत की ज्यादातर जगहों पर तापमान 10 डिग्री के पार था। लोगों को ठंड से राहत का एहसास हो रहा था। शाम तक भी मौसम खुशनुमा ही रहा, लेकिन 2 जनवरी की सुबह जब लोगों की आंख खुली तो तस्वीर बदली हुई थी। सड़कें भीगी हुई थी, फिजाओं में नमी थी, बारिश की हल्की हल्की फुहारें नई सुबह का स्वागत कर रही थी। बारिश की बूंदों में ढकी सुबह के साथ ही लोगों को ठिठुरन भरी ठंड से राहत का भी एहसास हो रहा था। दिल्ली वालों के लिए राहत के बावजूद सुबह आफत भरी जरूर थी। ज्यादातर जगहों पर पानी भरा था, लोगों को स्कूल और दफ्तरों तक पहुंचने के लिए छाते लेकर निकलना पड़ रहा था, तो सड़कों पर ट्रैफिक मुश्किलें बढ़ा रहा था। दिल्लीवासी को एक तरफ जहां कोहरे और ठंड की मार झेलनी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर बारिश ने दिल्लीवासियों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। गुरुवार देर रात यानी नए साल की रात से ही दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। इस वक्त भी बारिश हो रही है जिसकी वजह से न केवल मौसम ठंडा हो गया है बल्कि मौसम विभाग का कहना है कि बारिश अगर ऐसे ही चलती रही 2-3 दिन तो मौसम और ज़्यादा ठंडा हो सकता है। बहरहाल अभी तो जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अगर बारिश होती रही तो टेम्परेचर और डाउन जाएगा जिसकी वजह से दिल्लीवासियों को कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ सकती है। चंडीगढ़ में भी अहम रास्तों पर अचानक शहर की रफ्तार धीमी पड़ गई। लगातार हो रही बूंदाबांदी
लोगों को जनवरी के महीने में सावन के महीने का एहसास कराने लगी। चंडीगढ़ में सुबह सुबह जहां धूप खिली हुई थी तो दोपहर आते आते वो धूप कहीं ना कहीं बारिश की बूंदों में तब्दील हो गई और इस बारिश की बूंदों की वजह से तापमान में एकाएक गिरावट आई है। तो उसी की वजह से चंडीगढ़ के सेक्टर 17 जो बाजार है उसका नजारा फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बारिश की इन बूंदों की वजह से कहीं सन्नाटे का माहौल हो गया है। अगर मौसम विभाग की बात पर गौर करें तो आने वाले 3 दिनों में मौसम कुछ इसी तरह का बना रहेगा। उत्तर भारत के तमाम राज्यों का हाल तकरीबन एक जैसा ही रहा। ऐसी ही बूंदाबांदी अभी कुछ और दिन होने के आसार हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत, मध्य भारत और पूरी भारत के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही के बीच रिमझिम फुहारें पड़ती रहीं। मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति इस वजह से बनी है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगहों से नम हवाएं उत्तर भारत पहुंच रही हैं और इनका इंटरैक्शन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ हो रहा है। इस वजह से पूरे के पूरे इलाके में बादलों की खाली घटाएँ छाई हुई हैं। ये स्थिति अगले 24 से 72 घंटों तक बनी रहेगी। मौसम विभाग की माने तो मैदानी इलाकों में बरसात की वजह इस बार पहाड़ नहीं बल्कि समुद्र है। इस बारिश की असली वजह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाली हवाएं हैं जो आपस में टकरा रही हैं। ये हवाएं टकराकर उत्तर भारत और मध्य भारत की तरफ जा रही है जिसकी वजह से बारिश हो रही है। मैदानों में मौसम खुशनुमा बना है तो पहाड़ी इलाकों में कहीं बर्फबारी की दस्तक है तो कहीं आसमान से बर्फ बरसनी शुरू भी हो गई है। उत्तराखंड के औली में शुक्रवार को साल की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए लेकिन जो पर्यटक ठिकाने तक पहुंच गए उन्होंने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। तो वहीं आज से कश्मीर में भी बर्फबारी के आसार हैं। पहले बारिश से बेहाल हुई घाटी के लिए अब बर्फबारी मुसीबत बढ़ाएगी तो कश्मीर में पड़ने वाली बर्फ बाकी उत्तर भारत की राहत को भी आफत में बदल देगी। आज तक ब्यूरो।